ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ अन्य राज्यों के कुछ सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तहत ही बिहार के कुंडनी विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। कुंडनी उपचुनाव में जेडीयू से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनसभा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जमकर आड़े हाथ लिया। तेजस्वी ने कहा कि जब लालू जी इन एजेंसियों के छापे से नहीं डरे, उनका लड़का डर जाएगा। छापे से हम डरने वाले नहीं हैं। छापे पहले भी पड़ते थे और आगे भी पड़ेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले दिनों में और पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होगी। बता दे, इस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी की जनसभा में जमकर हंगामा होने की खबरें भी सामने आ रही है। बता दे, कुडनी में केरमाडी में इस जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इमोशनल कार्ड भी खेला। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव होने वाला है, उसी दिन 5 तारीख को सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन होगा, ट्रांसप्लांट होने जाना है। और आज आने के समय आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनका बोल दिया है, आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। हमको भी जाना है, कल हम भी जाएंगे सिंगापुर, 5 तारीख को उनका ऑपरेशन है, आना तो वो भी चाहते थे, लेकिन इस अवस्था में वो यहाँ आप लोगों के बीच नहीं आए, लेकिन आप लोगों के लिए संदेश भेजने का काम किया है कि नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एकजुट रहिए। वहीं अपने संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि असल में इन लोगों को जो डर है वो 24 का डर है। 24 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें इन लोगों को डर है कि लालू जी, नीतीश जी, महागठबंधन, सातों दल अब एकजुट हो गए हैं। जब एकजुट हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि बीजेपी का खाता भी लोकसभा के चुनाव में खुलने का काम है। बताइए, इन लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपया खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यही भाजपा वाले लोग प्याज का माला पहन करके महंगाई के खिलाफ सिलेंडर उठा करके गाना गाता था। गाना क्या गाता था? महंगाई डाइन खाई जाते है। आज भाजपा के लोगों से पूछिए कि सिलेंडर 1200 के ऊपर हो गया, हाँ, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, तो आप महंगाई डाइन नहीं, अब इनको महंगाई भौजाई और महबूबा नजर आ रही। तो वहीं कुडनी में आयोजित हुई इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आपको जो अपने हित में लगे उसे ही वोट दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे लिए वोट करिए, आप अपने लिए वोट करिए, काम तो सरकार करेगी, सरकार सभी के हित के लिए काम करती रहेगी। आगे नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कुडनी विधानसभा के लिए किए गए अपनी सरकार के काम गिनाए और कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बाकी काम और शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया भी पूरी होगी। कुडनी विधानसभा सीट के बारे में बताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुडनी प्रखंड है, इतना बड़ा प्रखंड अन्य राज्य में नहीं है, इनमें 39 पंचायत, इतने बड़े प्रखंड के लिए सरकार ने काफी कुछ सोच रखा है, जो सोचा है वो उचित समय पर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको बता दे, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस जनसभा के दौरान CTET और BTET के अभ्यर्थियों के द्वारा जमकर हंगामा करने और अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की खबरें भी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री शर्म करो डू मरो के साथ साथ हाय हाय के नारे लगाए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री की सभा में कुर्सियां भी फेंकी, जिसके बाद नीतीश कुमार के समर्थकों ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को कुर्सी मारकर भगाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काफी लोग कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि कुछ तो खंभे पर भी चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।